पुष्कर पशु मेले में अब वो ठाठ नहीं रहा जिसके लिए ये जाना जाता था। मेले के स्थान में परिवर्तन होने के कारण भी पशुपालक गफलत में हैं। पशुपालकों ने 3 स्थानों पर डेरे लगाए हैं। पशु हाट के लिए नई जगह पर सुविधाओं की कमी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। सगली दिक्कत है, कोई लाइट आए नहीं, कोई पानी सुविधा है नहीं, कोई चौकियां बैठी नहीं, कोई डॉक्टर ने लगाया नहीं है, क्यों गुनगुरियो। हाँ आ बात है, व्यापारी घने आए बापड़ो, व्यापारी करे कहीं धनी हजार बुलाए को कागज गुन दिया कि मेड़ो मंडी गए, मेड़ा 3 बाटा मार दियो, घोड़ियाँ कटले अलग कर दी, ऊँट अलग कर दिया, नाला घोड़ा अलग बन अलग कर दिया, कहीं मेला क्यों सुविधा मिला क्यों कौन जी। बात आ जानवर बिकने बिके पर कौन विशेष मजो को नहीं जानवर हम माँ बोपरिया घाटो ये ले रहे हैं धन जगह बोलो घाटो भाव धन सारू भाव है बेर देख लो नीचे नीचे ऊंट 22-23 को मिले और बढ़िया ऊंट मिल जाए 50-55-60 में। तेल को महंगा होगा तो लोग सड़े ऊंट देना सब है कि भाई तेल महंगा होगा जो को भैया खेती करा तो और करा तो भाई डाउनी करा तो वो लेवागे इस आप बात है बिके तो है माड़ा माड़ा पर हाल बता कौन बिके हो साहब। सरकार ने कोरोना काल की वजह से और ये जो प्रोटोकॉल बनते हैं कोरोना काल के उसकी वजह से इसको हाट के नाम से इसका परमिशन दी, परंतु ये हाट के बारे में हमने मालूम किया तो हाट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। वैसे अगर हम देखें तो एनिमल हस्बेंड्री में भी और सरकार में भी पशु हाट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई उसके रूल ही नहीं है कि उसमें क्या होना चाहिए। पर हमने यही सोचा कि भाई चलो परमिशन मिल गई है तो इसको एक्सेप्ट करके हम मेले की तैयारी करें और ये मेले की तैयारी हो गई। और ये नया मेला ग्राउंड इसलिए लोगों ने ज़्यादा पसंद किया कि भाई पिछले वाले में गंदगी बहुत हो गई थी, थोड़े बहुत तारबंदियाँ भी थी और इस प्रकार से लोगों ने सोचा कि भाई जब ये इतने सालों से हो गया तो क्यों नहीं इधर शिफ्ट किया जाए। पर हम ये ज़रूर मानते हैं कि अब थोड़ा क्योंकि नया नया था और पानी की खेलियों की थोड़ी कमी थी, पानी की खेलियाँ इस साइड में ज़्यादा थी जहाँ घोड़े हैं, तो इसलिए ऊँटों के लिए जो व्यवस्था जैसे होनी चाहिए इस साइड में वो नहीं हो पाई, तो वो पुराने जगह में ही हैं, जो अपने कैटल हैं वो भी पुराने जगह में ही हैं। पर ऐसी हमारी उम्मीद है, हम लोग भी कोशिश करेंगे, जो अपनी कमेटी है हमारे स्थानीय कमेटी जो है अश्वपति किसान की, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कोई प्रपोजल सरकार को बना के दें जिससे कि अगले साल से अगर ये मेला यहाँ लगे तो घोड़ों का एक सेक्शन इधर हो, उसके बाद ऊँटों का हो और उसके साइड में गायों का हो और सबको एक ही सुविधा सबको मिले, लाइट की पानी की सब चीज़। मिट्टी के दड़ों पर मेला लगने के कारण यहां तक व्हीकल्स नहीं आ पाते, ऐसे में अजमेर पुलिस का यहां अस्थाई थाना खुला है और पुलिस को घोड़ों पर गश्त करनी पड़ रही है। ये जो मेला नया मैदान प्रशासन द्वारा आवंटित किया गया है, नए मैदान पर सरकार के सभी विभागों द्वारा, प्रशासन द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा, पुलिस के द्वारा सब प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। जहाँ तक विशेष करके इस मैदान पर अभी तक 2 पशुधन मुख्य रूप से आए हैं, काफ़ी संख्या में ऊँट आए हैं, घोड़े भी आए हैं और घोड़े आ रहे हैं और सुरक्षा के व्यवस्था के फैसिलिटी की सुविधाएं जहाँ तक है काफ़ी हद तक हमारे द्वारा किया जा रहा है। कल तक ये मैदान विश्वास है पूरा भर जाएगा। अब पहले वर्ष में यहाँ आयोजित हो रहा है मेला, तो अपने फिलहाल तो ये पशुधन मालिक खुद ही अपने हिसाब से इसको तैयार कर रहे हैं। पुलिस गश्त पैदल भी हो रही है हमारे, और चूंकि ये रेतीला मैदान है इस कारण व्हीकल जहाँ संभव व्हीकल जा रहे हैं, व्हीकल नहीं जा रहे हैं वहाँ घुड़सवार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि पशुपालकों के लिए सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। पशुपालकों के लिए अस्थायी अस्पताल, कोरोना वैक्सीन, RT-PCR जांच जैसी सुविधाएं यहां जुटाई गई हैं। क्योंकि इस बार मेले के लिए बहुत कम समय मिला है, फिर भी जितने समय मिला है प्रशासन की ओर से उस मेले में जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया है।
क्योंकि जैसा आपको भी मालूम है, वैसे अगर ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसा बता रहे हैं तो उसको भी हम चेक करवा लेंगे। सारी जो पुरानी खेलियाँ थी, चाहे वो पुराने मेला मैदान की बात हो या नए मेला मैदान में, उन सारी खेलियों की जाँच कर ली गई है। अगर उसमें कोई टूट फूट थी उसको भी दुरुस्त करवा दिया गया है। उसमें सब में खेलियों में पानी भर दिया गया। अगर कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो उस तुरंत भी इस प्रकार को अतिक्रमण शिकायत प्राप्त होती है, अतिक्रमण को रिमूव भी किया जाएगा। पशु अनुमानित करीब 500 से ज़्यादा पशु आ चुके हैं। कल जो हमारा लाल चिट्ठी जिन पशुओं की कटी थी, उन 500 में से करीब 297 पशुओं की लाल चिट्ठी काटी गई। पशु हाट एक मेले का स्मॉल छोटा सा स्वरूप है। हाट इस तरह का वैसा कुछ नहीं है। खरीद फरोख्त के लिए इसको हाट का नाम दिया गया है। पशुपालक अपने स्तर पे ही, जहाँ पे भी उनका डेरा है वहाँ पे स्वयं ही एक दूसरे से जो भी डील करते हैं उसी को अपन हाट बोलेंगे। ऐसे कोई हाट का निश्चित स्थान तय नहीं किया गया और एक स्मॉल तरीके से मेले के में जो खरीद फरोख्त की जाती है उसी को हमने हाट का नाम दिया। पिछले साल जहाँ था वहाँ के अतिरिक्त एक वाटर वर्क्स के पीछे एक नया स्थान निर्धारित किया गया प्रशासन द्वारा। वहाँ पर हमने जो प्रशासन द्वारा एक जगह उपलब्ध कराई गई है और वहाँ पे जो पशुपालक है उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और वहाँ पे हमारे विभाग द्वारा लाइट और पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा पशु चिकित्सा सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गई। कुल मिलाकर इस बार पुष्कर का मेला फीका है। विदेशी पर्यटक तो हैं ही नहीं, देशी पर्यटक भी नहीं आने से व्यापारियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। सूबे में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद ये मांग भी उठ रही है कि मेले को पुष्कर पशु हाट तक सीमित न रखकर अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की अनुमति दी जाए, जिसके लिए ये मेला विश्व भर में अपनी पहचान रखता है। ईटीवी भारत के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।